Assalamu alaikum, Adab. Hello, lovely listeners. You have just tuned into Studio Khanyar, Lights, Camera, Education. I'm your energetic and enthusiastic host, RJ Minsha. And I'm your host, RJ Basla. It's the hub of fascinating content where we bring you a world of entertainment and all things fun and fabulous. It's the time of the day where we gather around the airwaves to share a few hours of pure bliss. And we are ready to ignite your day with the best, enlightening and engaging conversations. So with a burst of positivity, let's get our show started. Today we are here for a thought-provoking discussion on education. For that, we have two esteemed guests with us, Mr. Hilal Ahmed, an experienced educator, and Mr. Qazi Riyazur Rahman, a renowned academician. Welcome to the show. And I'm thrilled to be a part of this exclusive debate session here. So we extend our warmest greetings to Mr. Hilal, sir, and Mr. Riyazur. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. How are you, sir? Bas Allah ki meherbani hai. Thank you for gracing us with your presence today. We are excited to learn from your experiences and insights. Now let's dive straight into our topic, that is building a strong foundation, strengthening government school education to minimize dependency on coaching centers. Indeed, it's an important topic. Mr. Hilal sir, as an experienced educator, aapko kya lagta hai ki government school education ko hum kis tarike se strengthen kar sakte hain? किन एरियाज पे हमें फोकस करने की जरूरत है, किन एरियाज को हमें अटेंशन देने की जरूरत है जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स की फाउंडेशन स्ट्रांग बन सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो पहला जो आपका सवाल था कि गवर्नमेंट स्कूल्स को कैसे हम स्ट्रेंथन करें ताकि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी डिपेंडेंसी उन पर कम हो जाए. तो मैं कोचिंग सेंटर्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को आपस में राइवल नहीं देखता हूँ. मैं इनको बेसिकली एक दूसरे का मामिन देखता हूँ, मददगार देखता हूँ. ठीक है जी. तो इसलिए मैं ये कहूँ कि हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हम एक दूसरे को ख़त्म करें. आई डोंट बिलीव इन दिस. ठीक है जी, ये पहली बात है. बहरहाल गवर्नमेंट स्कूल्स की जहाँ तक बात है तो इस वक्त भी सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है दैट इज़ इन द गवर्नमेंट स्कूल्स. गवर्नमेंट स्कूल ही बड़े पैमाने पर तालीम देने का ज़रिया है हमारे जम्मू कश्मीर में. ठीक है जी. जो प्राइवेट है, प्राइवेट क्योंकि वहाँ पे तो नफ़ा के लिए काम किया जाएगा तो वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर कंसंट्रेटेड है टाउन्स में, सिटीज़ में, जबकि यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन वो गांव में रहती है. तो गांव में एजुकेशन का जो स्ट्रॉन्ग ज़रिया आप कह सकते हो वो गवर्नमेंट स्कूल्स ही हैं. ठीक है जी. अब गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ है ना चीज़ें जिन पे एरियाज जो डेवलप करने चाहिए हमें. पहले नंबर पे एजुकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है टीचर. आपके पास टीचर बाय चॉइस आना चाहिए, नॉट बाय कंपल्शन. ठीक है. तो तकरीबन 90% टीचर्स जो है ना वो टीचर नहीं बनना चाहते थे. हाँ, वो कुछ और बनना चाहते थे. तो रिजल्ट ये निकलता है कि जब वो टीचर खुद है ना साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पर्सन है या एक फील है ना जो ज़िंदगी में नाकाम हो चुका है अपने अहदाफ को हासिल करने में, तो वही कौम को मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कहाँ बना पाएगा कि वो अपने अहदाफ हासिल कर सकें. ठीक है, मिली तौर पर एक ऐसा प्रोफेशन जो नंबर वन चॉइस होनी चाहिए हमारी यूथ की. मिस्टर रियाज सर, फ्रॉम योर एकेडमिक एक्सपर्टाइज आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके क्या थॉट्स है अबाउट द करंट स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन और कोचिंग सेंटर्स का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जो आपका क्वेश्चन है कि करंट स्टेटस जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स का है वो कैसा है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है, मैं इस बार आप जो रिजल्ट्स आउट हुए हैं पिछले दो तीन अब पिछले कई सालों से जो रिजल्ट्स गवर्नमेंट स्कूल दे रहा है दीज आर एनकरेजिंग रिजल्ट्स. सेकंड, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एट पार विद द गवर्नमेंट स्कूल्स एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, पर्टिकुलरली एट हायर सेकेंडरी एंड हाई स्कूल लेवल वी हैव वेरी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव वेरी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्पार्ट द एजुकेशन टू आवर यूथ. सेकेंड, जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स जो इस वक्त जे एंड के में अवेलेबल है दैट इज विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट. बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ बीइंग इट इज़ अ मिसकंसेप्शन एक जा रहा है सोसाइटी में कि
शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है। मैं अपने स्कूल की बात करूंगा कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं कि दे आर मोस्ट ऑफ देम दे आर डिपेंडेंट अपॉन अस एंड देयर आर द फ्यू पीपल हु से दैट द कोचिंग इज इफेक्टिव फॉर देम। बट ये एक ऐसा नोशन फैलाया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर्स के बगैर एजुकेशन सिस्टम नहीं चलेगा। नो डाउट द कोचिंग सेंटर्स का अपना एक रोल है, दे कैन ऑगमेंट, दे कैन नॉट रिप्लेस द नॉर्मल स्कूल सिस्टम। ये हमें याद में जहन में रखना चाहिए, द कोचिंग सेंटर्स कैन ऑगमेंट दिस बट दे कैन नॉट रिप्लेस द सिस्टम, बिकॉज स्कूल में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है जो कोचिंग सेंटर्स में पॉसिबल नहीं है। स्कूल्स अदर एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज बच्चों में आ रही हैं, जहाँ बच्चे डिफरेंट फील्ड्स में जा रहे हैं। कोचिंग इज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, दैट सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज बींग टॉट और अ पर्टिकुलर स्ट्रीम या कोई पर्टिकुलर स्किल दिया जा रहा है, बट ओवरऑल पर्सनल development is possible only in the school system, both private as well as government school system. Okay sir, so जैसे कि आप दोनों को पता ही होगा कि nowadays coaching centers को government schools का substitute माना जाता है, and जो भी students government schools में admission लेते हैं वो सिर्फ attendance के लिए लेते हैं, because अपनी education को वो coaching centers के लिए ही pursue करते हैं। तो जैसे हिलाल सर ने भी कहा कि ये दोनों राइवलरी नहीं होनी चाहिए इनके बीच में, सो हाउ डू यू बोथ थिंक कि ये कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं रादर देन बीइंग सीन एज अ सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले भी कह रहे थे कि जो बात कर रहे थे कि दे कैन ऑगमेंट द सिस्टम, दे कैन नॉट एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट, वो एक रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते। मगर एक मैंने पहले भी कहा कि कोचिंग सेंटर्स में मैंने देखा, आई टॉक टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल कंडक्टिंग द वाइवा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वर मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट फेंटेड। जब मैंने पूछा था कि वी आर आई सच काइंड ऑफ ए सिट्रस थ्रू द कोचिंग सेंटर्स दैट दे सेज दैट इफ यू डोंट डू द नीड देन योर लाइफ इज कंप्लीटली स्पॉइल्ड। वी हैव सीन दैट द वी हैव साइकोलॉजिकल we have the psychological patients now coming out, we have got the neuro, we have the, there are the studies that students are under such a great stress ki wo bacche ab kuch kar nahi pa rahe hain, because yahan se kafi matlab coaching center mein kaha jata hai ki NEET is the only option or the JEE is the only option in your life, lekin zindagi bahut lambi hai, zindagi mein bahut sare options hain jahan pe bacche ja sakte hain, no doubt we are getting a few percent one or 2% is the success rate of the coaching centers in the highly competitive exams is 1 or 2%. There is 1 or 2% success rate hai jo khud padhte hain. Normal competitive examination mein bhi hai success rate ke wahan pe there is a ratio of 1:25, 1:20,000 students appear, only the 100 students will get selected. Therefore we have to take this reality into mind that everybody, whosoever joins the coaching center he is going to crack any kind of an examination. Therefore schools ka isme bahut bada role hai ki schools in bachchon ko inki personality develop kar sakte hain, inko different fields ki taraf direction de sakte hain, lekin unfortunately bachche zyada coaching center pe dependent ho rahe hain, halanki hamare paas sabse acha human resource government ke paas available hai. I strongly condemn कि अगर बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में ये कहा जाता है कि आप स्कूल मत जाओ, आप सिर्फ कोचिंग सेंटर पर डिपेंडेंट रहो, ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही बुरी बात है कि कोचिंग सेंटर्स ऐसा कहा जाता है। तो मिस्टर हिलाल सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नाउडेज ये कहा जाता है कि जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की एजुकेशन है वो बेटर है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से सुनती आ रही हूँ दैट पास्ट में ऐसा नहीं होता, पास्ट में जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे थे उन लोगों को ज़्यादा काबिल माना जाता था एज कम्पेयर टू दोज जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ते थे। तो आपको क्या लगता है कि सच में ऐसा कोई चेंज आया है, और अगर आया है तो ऐसा क्यों हुआ? देखो मुझे बेसिकली इसका ताल्लुक जो है ना वो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के साथ है जो 1990 में हुई। 1990 में जब भारत की इकॉनमी ओपन हो गई, एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसने एक चीज़ जिसकी ज़रूरत महसूस की गई वो ये कि आपको अंग्रेज़ी ज़बान आनी चाहिए, ये आपको उलूम उन्हीं ज़बानों में सीखने हैं जो ज़बान मतलब कि इंटरनेशनली डिमांडेड है, और उस वक़्त इंटरनेशनली या इस वक्त भी इंग्लिश थी। तो प्राइवेट स्कूल जो है ना उन्होंने जल्द अज जल्द अपने आप को शिफ्ट किया फ्रॉम उर्दू हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम,
और वहाँ के बच्चे जो है वो ईजिली एब्रॉड भी जा सके या यहाँ के MNCs में भी एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बेटर समझी गई है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है ना उन्होंने काफ़ी वक्त बाद मतलब ना अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज थी, रबते की ज़बान जो थी ना वो बदली है, इसलिए ये जो नोशन बना हुआ है ये इस मैं नहीं कहूँगा कि कोई गलत नोशन बना था, ठीक है, क्योंकि मार्केट की जो डिमांड थी, मार्केट की डिमांड को पूरा करने का मतलब जो काम था वो उसको प्राइवेट स्कूलों का ही था, ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे थे इसमें एक और बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी कि एट्थ तक शायद मतलब उर्दू रजिस्ट्रेशन होती थी, उसके बाद अचानक जब अंग्रेजी किताबें आती थी, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे वो बेचारे है ना अपने आप को बिल्कुल एक है ना एलाइस इन वंडरलैंड में आ जाते थे, दैट वाज अ प्रॉब्लम। In your experience, Mr. Riaz, sir, how can government schools encourage extracurricular activities, sports and creative pursuits to provide a well-rounded education competing with the offerings of coaching centers? We have already the system in place. We have, in the government schools, the system is in place for encouraging the extracurricular activities, sports activities and all these. The system is in well in place. The system is well in place, that is not available with the coaching center because they are focusing on a particular thing. But here we are focusing on the overall development of the students, personality development of the students. Therefore, we have well-equipped staff, well-equipped schools for the development of all these extracurricular activities and all these things. We have everything here available in the government schools. Yes, sir. So, in your opinion, Mr. Hilal sir, जैसा कि हम सब जानते हैं that modern world is all about technology. मतलब हम सब किसी न किसी तरीके से technology से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें technology को किस तरह से government schools में incorporate करना चाहिए ताकि वो एक role play कर सके ऐसा कि उनकी जो education quality है वो improve हो जाए as compared to that of coaching centers. देखो मिंशा, आप जानते हो कि आने वाला ज़माना जो है वो डिजिटल वर्ल्ड होगी, कंप्यूटर्स की होगी, तो इसमें तो गवर्नमेंट ने वैसे काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट की है, ओके, और मजीद इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती है, ओके, वही एक चेंज ला सकते हैं। So, Mr. Riaz, sir, what role can partnerships between government schools and private sector play in enhancing the quality of education and reducing the dependency on coaching centers? Yes. There is, it is the need of sharing the resources between the government and the private sector in the school education. In the school system or in the higher education, if the private partners who are in the field and if they will share the resources, that will, overall we are developing a society. Mm-hmm. At the end of the day, if a private school is there, if the government school is there, at the end of the motive is that we are going to develop a society. This is a knowledge-based society. There's a society based on the skills. And everything we are going trying to develop the society. Why don't the government and the private sector will come together and they will share their resources, they will share their expertise, and we will see very good results out of that. We should not consider antagonistic. We should augment each other. We know technically jo teachers government schools mein work karte hain, they are much more qualified and experienced than the private institutions teachers. And also they are hired through proper examinations unlike the private institutions. So aapko kya lagta hai ki kis cheez ki wajah se students phir bhi apne coaching centers pe zyada dependent hote hain aur unhi pe zyada trust karte hain unlike their government school lecturers? It's that actually I can consider it as in a trust deficit. There's a trust deficit which is in the society, and this trust deficit is being propagated from somewhere that government schools are not 100% that they cannot give the child which your child needs. That's why this is a But I am hopeful कि आगे आने वाला जो वक्त है, people will see there is a lot of change in the government schools and government schools are giving good results and the results speak up on their own. So results खुद बात कर रहे हैं कि government schools क्या कर रहे हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स काफी आगे जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स काम कर रहे हैं दे आर एंथुसिएस्टिक अबाउट इंप्रूविंग द सिस्टम. आई विल गिव यू एश्योरेंस दैट जो भी हमारा नया लॉट है, जो भी हमारा यंग लॉट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, दे आर रेडी टू वर्क 24/7 फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम.
And that brings us to the end of this remarkable interview with our esteemed guests, Mr. Hilal Ahmed and Mr. Qazi Riazur Rahman. We would like to express our sincere gratitude for your presence and the enlightening conversation we have had today. And your valuable insights, your expertise has added immense depth to our discussion. So on behalf of YouTube Studio of GHSS Khanyar, we extend our warmest wishes for your continued success and impact in the lives of countless students. Thank you for gracing us with your presence today. We would like to express our gratitude to the GHSS Khanyar for giving us an opportunity for talking on this very important topic, which concerns to our students. It's a very big concern for us, whether the people should continue with the government education or not. That thank you for very much for inviting us. Thank you, sir. It was our pleasure. With this, we have come to an end. It's the time for us to wrap up our show. This is RJ Mincha and RJ Bazla signing off. We hope you enjoyed it as much as we did. We'll see you in the next one. And until we meet again, remember to keep spreading love, kindness and good vibes wherever you go. Till then, stay tuned, stay inspired. Allah Hafiz.